अभिनव कॉलोनी गली नंबर 5 के रहवासियों ने आज एसडीएम तपस्या परिहार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अभिनव कॉलोनी में गली नंबर 5 में नीलेश्विता युवराज पाटिल का मकान है, जो उन्होंने किराए पर दिया है। उसी मकान की छत पर वह जियो कंपनी का टावर लगा रहे हैं। नीरज पाटिल ग्राम चाटली में निवास करता है। अभिनव कॉलोनी के निवासियों ने एसडीएम तपस्या परिहार से गुहार लगाई कि टावर के कारण प्राकृतिक आपदा आने का खतरा बना रहता है और टावर लगने से उससे निकलने वाली रेडिएशन किरणों से मानव के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। रहवासियों द्वारा नीरज पाटिल को मना करने पर उसके द्वारा रहवासियों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। एसडीएम ऑफिस आए ज्ञापन देने, क्या मामला है? मामला ये अभिनव कॉलोनी गली नंबर 5 सेंधवा में बीच में रहवासी मोहल्ले में नीलेश पिता युवराज पाटिल उसके मकान पर टावर लगाने की प्रक्रिया कर रहा है। गत वर्ष भी उसने इस काम को अंजाम दिया था, सभी गली वालों ने ऑब्जेक्शन लिया तो उसने उस काम को बंद कर दिया और उसके 4 महीने बाद शराब पीकर गली में अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज की उसने और फिर टावर का काम चालू कर दिया। क्या चाहते गली वाले? गली वाले चाहते कि उसका टावर नहीं लगे और वो उसका रहवास यहाँ होने के मतलब मकान यहाँ है और रहवास है चाटली, उसने चाटली लगाना चाहिए। यहाँ रह के गली वाले लोग परेशान क्यों कर रहे हैं? एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दिया? हाँ, एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दे चुके हम लोग, अब जा रहे थाना पे।